नमस्कार, मैं सांचौर से गणपत बिश्नोई और आप देख रहे हैं नेताजी का एग्जिट पोल। जी, राजस्थान का खास कार्यक्रम नेताजी का एग्जिट पोल को लेकर हम आज पहुंचे हैं रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और यहां से जानेंगे जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं और पिछले कार्यकाल के अंदर जो विधायक है यहाँ से, उन विधायक ने क्या कुछ कार्य किए हैं, उनको लेकर हम जनता के नब्ज टटोलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेताजी ने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं और यहाँ की समस्याएं क्या हैं। नान सिंह देवल यहाँ से विधायक है, रानीवाड़ा से आपका क्षेत्र रानीवाड़ा विधानसभा में आता है, क्या विकास कार्य हुए हैं? मन तो कोई नहीं लागत भी साहब, कोई विकास नहीं है, लाइट नहीं, पानी नहीं, टाइम माते सौंपड़ी में हेल्परिया लगे सब घंटा दे गाँव गाड़ी तीन घंटा। बिजली की समस्या है आपके? बिजली समस्या है ही नहीं। और क्या समस्या है किसानों के लिए? सब समस्या, कोई गौड़ियों में कोई रास्ता है वनोर में मरडा रोतो पोतो नहीं, खाडा पड़ गया, गुड़ गुड़ होना, छोकरो स्कूल जानो हारे नहीं। हैंडसम स्कूलों में क्या समस्या व्यवस्थाएं है उसको लेके क्या कहें? स्कूलों में व्यवस्था का वह हागिरी आगे समस्या है, रास्ता में छोकरो स्कूल जानो हारे नहीं, उठे जाए गरम वे मार्ग में पसई गरम उड़ा उठे स्कूल में ले नहीं आवे घरे पास आ रहा करता काम करिए को सब सरकार की कमी है। तो इस बार किस मुद्दे को लेके वोट डालोगे चुनाव में? हमें सुनाव में तो वोट तो देना पड़ी एक जगह दो जो मैं तो मोदी नहीं दो ठेठू फूल माते दी देना आज फूल माते हो और धड़ो मोरा बाप दादा ही देता मैं दे आगे जी मुद्दा नहीं देखते कोई मुद्दा हमें कहा देखो सरकार तो नान सिंह देवल यहाँ विधायक है दो बार विधायक रहे हैं मैं तो फूल दो भले कोई फूल लेने टिकट कोई आवे भले फूल ने छोड़े कोई जाता नहीं समस्या का समाधान हो या नहीं हो उसका कुछ नहीं समाधान तो हमें सरकार है तो भलो नहीं करे कोई भी पार्टी ने देवारो टीबी अधिकार है वो मतदान देना पड़े आ बात गरीबों तो हमने थोड़ा मोर हाथी कही मोटी घरे काम बैठो ना आप मन जैसे फूल माता ठेठू डोकराई देगी दाय पड़ी तब भी ढोकी दे घर में रानीवाड़ा में तो बस सरकार परिवर्तन होनी चाहिए। हाँ, सरकार का कोई काम होता नहीं है, इधर MLA BJP का, सरकार है कांग्रेस की, इसलिए काम नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्या काम होने चाहिए आपको? काम तो रोडों का होना चाहिए, लाइट कट जाती है, लाइट आती नहीं है बिल्कुल, लाइट का क्या पैसा कम किया अपन, पैसा कम करके कराया किया, वो लाइट तो आ नहीं रही है, तो ज़्यादा लाइट आती हो तो पैसा ज़्यादा लगता हो तो काज का खेती कर सकता है ना, नहीं तो खेती क्या कर गए। शिक्षा में, चिकित्सा में क्या काम हुआ? शिक्षा में है तो शिक्षा में स्कूल तो बंद पड़ी है, अगर इस मास्टर तो दिखाता नहीं है, देखते हैं तो इसमें मास्टर है नहीं हाजिर में, वो मास्टर है नहीं ड्यूटी में आते नहीं, क्या करे। नहीं नहीं, काम तो सब सरकार आती है और जाती है, काम तो करवाती है, लेकिन मेन मुद्दा पानी और बिजली का ही है। यहाँ पे बिजली टाइम पे आती नहीं है, टाणियों में पानी है नहीं, सब लोग टैंकर नमवा के पानी पीते हैं, 600 रुपया पट पानी टैंकर का देते हैं, काम में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। और क्या समस्या है? और तो रोडें बन रही हैं, बजट आ रहा है वैसे बन रही हैं रोडें, तो रोड का तो कोई दिक्कत है नहीं, सबसे ज़्यादा समस्या पानी और बिजली की है। इस बार किस मुद्दे को लेके वोट का? बिजली और पानी पे ही। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं उनसे भी जानते हैं, किन मुद्दों को लेके इस बार वोट कास्ट करोगे? देखो, मुद्दों की बात तो ये है कि मुद्दे तो बहुत हैं, वोट तो आते रहते जाते रहते, वोट तो देने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, रतन जी हो या नारायण सिंह जी हो, जिसकी पार्टी है उनको वोट तो देना ही पड़ता है। जैसे मैं कांग्रेस से हूँ तो मैं रतन जी को वोट दूंगा ही, चाहे काम हो या नहीं हो वो पार्टी की बात है, और काम किए भी ऐसी बात नहीं है, रतन जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे पानी अभी आया नहीं है मगर आने में है काम किया। नारायण सिंह देवल अटो विधायक है, वो काम काम कराए होते हैं पैसा बेटा, तो मैं तो कोई कराई देखी नहीं है। अच्छा, कोई खराब तो देखी नहीं, सही बात वे जड़ी बात करो भले कोई भी सब। हाँ, भले मार मत रही बड़ी हो जाए, काम चाहो हटे, काम विकास होना चाहिए। मोरा देखो पैसा, एक तो नाली भरे रे बेबरी हो सही, बीजो मैं कसरा रो कसरो कसरो में जावा बॉडी में गाड़ियां बीजी आई है, कसरो बसरो तो मैं जाए सफाई में। लाइट आवे टाइम मोबाइल मिले।
बस गौ मिले वे जो को बात करो કાઉ સમસ્યા કાઉ હાટે આપરે રાનીવાડારી રાનીવાડારી મારે પણ પાણી આવે વર્તન કોઈ મેળવાન મન કોઈ બેવા દેતો નહીં અને આ પાણી આવે કે હે જે વર્તન જાય પાણી ભેળા હા બીજો મારો કોઈ સબી તો નહીં અચ્છા સિંગ દેવલ અઠો વિધાયક હે કાઉ કામ કરાયો રાનીવાડા પણ તો કોઈ હે ને કોઈ સબી તો હે કોઈ ગો કંટ્રોલરા આવતા નહીં કોઈ નળ આવતા નહીં ખારો પાણી પીયા અને ધન લેગીન ખા કમાઈન ખા કા સબી તો મારે કોઈ સબી તો નહીં મારતો કોઈ મે તો બોટે નહીં દે हम कहता है तो बोटे नहीं दिया का सुविधा दिया सुबह का सुबह घर के अंदर दीजा हम अपने घर आवा अपने घर तो हम ठाव मारे घर बागरी पाए है लो खारो पानी है ठीक हाँ दूध में ना दूध फाटे साफ फाटे तो हमें कैंपर न मारो काम मतलब है मारे मैं तो हमें बोटे नहीं दिया और कहीं समस्या है नहीं तो कोई समस्या नहीं है बे बार तो मैं तो अभी घंटा भी रोड मार भी अंदर पानी कोई खा बाल को घर वाइए थोड़ी अभी बस नहीं नान सिंह देवल यहाँ से विधायक है लगातार दो बार विधायक रहे हैं क्या काम करवाए यहाँ बहुत बढ़िया सारा काम करवाया है बढ़िया ही हाल है काम अगड़ो ही अच्छा। हाँ कोई कमी नहीं रखी है नान सिंह जी का राज नहीं होते हुए बहुत बढ़िया सारा काम किया है अच्छा। हाँ क्या मुद्दे हैं इस बार किस मुद्दे को लेके ब्रॉडकास्ट किस मुद्दे को लेके करेंगे भाजपा को नान सिंह जी ऐसा तो कोई आदमी नहीं है रानीवाड़ा में हाँ दूसरे की कोई तुलना ही नहीं होती है रानीवाड़ के अंदर क्या समस्याएं हैं नान सिंह देवल यहाँ से विधायक है उन्होंने जो काम किए उससे संतुष्ट हो नहीं है संतुष्ट नहीं है तो क्या क्या कमी रही कमी तो बहुत है यहाँ रोडों की कमी है बिचारी को पानी की बाढ़ की यहाँ रानीवाड़ा में कहाँ है रोड कहाँ है मैं यहीं हमेशा रहता हूँ और क्या अरे कई तरह की समस्या है लोगों में कोई कर्मचारियों की बाकी बसें कहाँ चलती है बसें ज़्यादा चलती थी वो भी कम पड़ गई कोई देवल साहब ने तो यहाँ कोई काम किया नहीं यहाँ सुना है कि सीवरेज की बड़ी समस्या है पानी नहीं हाँ तो कब मैंने आपको बता दिया ना पहले ही तो वही तो बात है ना पानी कहाँ है बसों का साधन कहाँ है क्या होना चाहिए यहाँ तो सब फैसिलिटी होनी चाहिए फैसिलिटी में क्या कमी हो वही है आप भी मीडिया वाले हो फैसिलिटी में कोई इंसान कम चाहता है क्या आप भी पधारे हो तो नान सिंह विधायक साहब ने देवल सिंह साहब ने जो भी काम किया वो उनके हिसाब से सही किया होगा और बाद में जो कोई कुछ कुछ काम नहीं हुआ है वो भी नहीं हुआ उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि है जो अभी काम क्योंकि जैसे नई रानीवाड़ा में तो आधी से सड़कों का विकास हुआ नहीं है काफ़ी टाइम से आधा हुआ आधी तक पेंडिंग पड़ा है बाकी है जो भी काम और तरीके से होता है वो अच्छा रहेगा व्यवस्थित आदमी चाहिए किसी भी पार्टी को इस बार किन मुद्दों को लेके वोट कास्ट करेंगे क्या लोग जैसा काम करेंगे वैसा वोटिंग देंगे लोग व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे उसको वोटिंग अच्छे तरीके से मिलेंगी बहुत है कोई कमी नहीं बड़ी पहले सरकार में गरीब लोग चुकी है अमीर तो अमीर है ही बाकी गरीब है इसको गलत में खूब खुश रखा है कोई भी राशन पानी गैस जो भी खरीद दिया है ध्यान कर दिया है नान सिंह साहब एम एल ए अपने चलता नहीं है कहने किया चलता है विपक्ष का सरकार है कांग्रेस की उनकी चलती है एम एल ए अच्छा है खराब नहीं है क्योंकि तो चलता नहीं क्या करें आगे काम करता वो अफसर लोग नहीं मानते सरकार है कांग्रेस की अतल जी काम करवाते हरा हुआ तो भी क्योंकि तो चलती है बाकी कोई समझा नहीं हर सरकार में खुश रखे गरीबों को खुश अमीर तो अमीर रही हमारे लिए तो गलत सरकार भगवान है इस कार्यकाल में नान सिंह देवल ने क्या कुछ विकास कार्य कर रहे हैं क्या उससे आप संतुष्ट हैं सा नारायण सिंह जी देवल विधायक रानीवाड़ा क्षेत्र ने विकास कार्य को मैं गिनाना चाहूँ तो अभी सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगी अभी आपको बताएं कांग्रेस सरकार राज्य में और साहब का जो कोठे का पैसा था विधायक मद इन्होंने OBC के लिए SC ST के लिए लाइट नहीं है धानियों गाँव में उन्होंने अपने कोठे से पैसा दिया ST ST को जो कनेक्शन का पैसा दिया OBC दिया पिछड़े वर्ग को ये सरकार पैसा दबा के बैठ गई सेक्शन निकाल दी लेकिन पैसा इलेक्ट्रिक बोर्ड में जमा नहीं कराती और वो किसान तय तय कर रहे हैं बारिश ने भगवान तो रूठ ही गया है पर साहब ने जो पैसा दिया है उनके फसल मत से वो सरकार रोक के बैठ गई क्या लगता है आपको विकास कार्यों में क्या कैसे विकास कार्य हुए हैं रानीवाड़ा के अंदर अच्छा विकास हुआ है और आने वाली भाजपा की सरकार है यहाँ का मेन मुद्दा है बिजली का बिजली से किसान परेशान है और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे बस सड़क बिजली और पानी घर घर कनेक्शन पाने का बिजली किसानों को मिलती नहीं है टाइम से भी नहीं मिलती है और ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो टाइम से मिलते नहीं है किसानों को मेन मुद्दा बिजली का है
जी ये 2000 नान सिंह 2013 में जीते तब भाजपा की सरकार थी, उस समय देवल साहब ने बहुत विकास करवाया और देवल साहब हमेशा युवाओं के लिए को या गांव के किसी भी युवाओं ने कॉल किया है, किसी भी आम आदमी ने भी कॉल किया है तो देवल साहब हमेशा आगे रहते हैं, युवाओं की बात सुनी है और इसी बार में भी विकास बहुत अच्छा करवाया है मेरे साहब ने। सरकार नहीं है, चलो अड़चन आ रही है, लेकिन देवल साहब ने बहुत अच्छा विकास करवाया 2013 के अंदर। विकास करवाया है क्या? देवल साहब ने रानी में बहुत विकास करवाया। आप 2013 का आप बुक उठा के देख लो तो रानीवाड़ा के अंदर हर जगह पे रोड नहीं थी, वहाँ पे भी डोमर रोड बनी है, चल रहा है बिल्कुल। तो अब वैसे तो विकास साहब के जितने होते थे एमएलए का फंड के हिसाब से विकास किया है और सरकार कांग्रेस की है, विकास तो कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस सरकार विकास नहीं करवा रही है और बोल रहे हैं कि या तो विधायक एमएलए नारायण सिंह बीजेपी से हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार है, ऊपर तो कांग्रेस का चलेगा, विधायक यहाँ बोल सकेगा लेकिन फंड तो ऊपर सरकार को देना है ना। बाकी एमएलए साहब की बीजेपी सरकार थी उस समय साहब ने आपको रानीवाड़ा के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए ताकि हर क्षेत्र में लोगों को फायदा मिले? देखो आप रानीवाड़ा में आप हर गली मोहल्ले में जाओ, हर जगह गंदगी को, पानी को या रोड टूटे हुए हर जगह पे आप देख लो, हर जगह इस तरह का ही पड़ा है, कीचड़ वगैरह, मतलब कुछ मिला के कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को भ्रमित किया गया है। और निश्चित तौर से 2023 के अंदर बीजेपी से वापस नारायण सिंह जीत के आएंगे और रानीवाड़ा एक नंबर बनेगा, ये विश्वास है सभी जनता को। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार रानीवाड़ा के अंदर क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य तो साहब ठीक हुए, लेकिन जो समस्या है वो एक तो हरिद्वार की जो गाड़ी है वो रुक नहीं रही है, उसका स्टॉपेज नहीं है, जैसे धनेरा में है, ये बड़ा स्टेशन राजस्थान का पहला है तो ये रुकती नहीं है। और दूसरा जो यहाँ फ्लाई ओवर है, जो लेडीज प्रेगनेंट औरतें और धनेरा जाती है उसके लिए फ्लाई ओवर की मेन समस्या है। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं यहाँ के? बिजली है और बाकी और ब्रिज है जो फाटक बंद रहता है बहुत बार, ये मुद्दे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं रानीवाड़ा के। रानीवाड़ा के मेन मुद्दे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सेवाएं। चिकित्सा सेवाओं का बंटा धार हो रखा है, कोई भी एक्सीडेंट होता है मरीज को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और तुरंत उसको गुजरात रेफर कर दिया जाता है, यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, चिरंजीवी में किसी को फायदा नहीं मिल रहा है। सरकारें कह रही है कि हम 25 लाख रुपए क्लेम दे रहे हैं, हमारे साथ में कई एक्सीडेंट हुए, उनकी FIR भी हमारे पास में है, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, तो वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी में नहीं है एक्सीडेंटल दुर्घटना। पशु का मारना, पशु के द्वारा हमला और उसके द्वारा उसकी डेथ होती है, वो एक्सीडेंट नहीं है क्या? राज्य सरकार को देना लेना कुछ है नहीं। क्या समस्याएं हैं रानीवाड़ा की, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप ब्रॉडकास्ट करेंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की। रानीवाड़ा में सीवरेज के लिए नारायण सिंह जी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन सत्ता कांग्रेस की है तो बार बार काम रोक देते हैं, काम रुकने से काम होता नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, कहाँ जाएगा पानी? ऑन रोड पर पानी, गंदगी, साचौर फाटक पर देखो तो गंदगी, वहाँ भीनमाल फाटक पर देखो तो गंदगी, जहाँ देखो वहाँ गंदगी। यानी सीवरेज जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ समस्या का समाधान नहीं होगा। MLA अकेला कुछ नहीं कर सकता, सरकार को साथ देना पड़ेगा। नहीं, वर्तमान जो हमारे जो विधायक जी हैं रतन जी यदि उनका साथ देते तो सीवरेज का काम हो जाता, क्योंकि सत्ता कांग्रेस की है तो सत्ता पक्ष वालों को थोड़ा सहयोग करना चाहिए। सहयोग क्या 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 मुद्दे हैं या क्या समस्या है, क्या समाधान होना चाहिए उनका? इस समस्या तो उसका जैसे कॉलेज का बताया हमारे फुलजिंग जी ने बिल्कुल सही है कि राजनीतिक बेट सजा हुआ है, एक फुटबॉल की टिक मारते तो जालडा, दूसरा छोटा रानीवाड़ा और तीसरा रानीवाड़ा आके रुक जाता है। यानी बनाना हो, उनकी यदि इच्छा हो बनाने की तो कहीं भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बन सकता, लेकिन बनाने की है ही नहीं। हमारे अब खेल के अभाव से स्टेडियम में मालवाड़ा घोषित हुआ था, वो रुक गया सरकार के कारण, यदि वो चाहते तो बहुत बड़ा स्टेडियम बन सकता था। सामुंडा होटल के सामने जमीन आवंटित है, वह बन सकता था, लेकिन कोई काम करना नहीं चाहता तो होता नहीं है, करना चाहता तो उसको रोक देते हैं, रोकने से काम होता नहीं है। हाँ, भारी भ्रष्टाचार की भेंट सजे हुए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है रानीवाड़ा के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए विकास कार्यों के अंदर। रानीवाड़ा में विकास कार्य की तो कोई कमी है नहीं, गहलोत सरकार ने आने के बाद में तो देखो रानीवाड़ा नगर पालिका बनाई और भी विकास की, और जो पेंशन 500 की थी उनकी जगह 1000 रुपये की गई, और गहलोत सरकार ने जो किया है सुविधा वो कोई उसकी कोई सीमा नहीं।
समस्याएं क्या है यहाँ की रानीवाड़ा? समस्या तो देखो निकासी पानी की है वो यहाँ की है नहीं, वो तो आजकल से नहीं, कम से कम 50 साल से नहीं। क्यों है? चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, निकासी तो पानी की समस्या तो आजकल की नहीं, 50 साल से। तो इसका समाधान क्यों नहीं हो पाता? नेता करते नहीं है क्या? इनका नेता करना चाहिए उनको, बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो उनको भी करना चाहिए, कांग्रेस की हो तो उनको भी करना चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट होती है तो भी नहीं होती है निकासी, और आम जन आसपास के गांव के लोग आते हैं तो देखो बरसात के मौसम में ये कीचड़ वगैरह यहाँ रोड पे रहता, पानी वगैरह वहाँ रहता, तहसील रोड पर या भीमाल रोड पर या बाज़ार के अंदर। तो निकासी पानी की समस्या है वो तो 50 साल से, आजकल की नहीं, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए हैं? चिकित्सा क्षेत्र में तो वर्क हुए ही है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार रानीवाड़ा के अंदर आपको क्या लगता है, क्या विकास कार्य होने चाहिए? नारायण सिंह देवल यहाँ से विधायक है, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य करवाए? उन्होंने के समय में उन्होंने भी विकास कार्य कराया, लेकिन इस कांग्रेस सरकार में जो भी एक मेन मुद्दा कई बार उठाया पानी निकासी का, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं दिया। और जो बजट आया है वो निकासी की जगह लगाना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं लगा रहे, दूसरी जगह लगा रहे बजट। मेन ये मुद्दा है पानी निकासी नहीं है, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, मच्छर होते हैं, कीचड़ होते हैं, लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नान सिंह देवल अटाऊ विधायक है, अटाऊ काम हुए है, वो काम करे वो संतुष्ट होगा? धरातल पे जो विधायक कोटे से जो पैसा आया था वही काम हुआ है, अन्यथा कोई काम नहीं हुआ। जो भी धरातल पे कोटे पे जो भी विधायक का पैसा आता है, काम हुए है? काम धरातल पे जो विधायक का उसके इच्छा अनुसार जहाँ पैसा लगाया है, पब्लिक का कोई जो मेन रास्ता था, रोड था या मार्केट में काम था, पब्लिक की जो लेवल थी वहाँ पे काम नहीं हुआ। क्या समस्या है रानीवाड़ा की? रानीवाड़ा बस पानी की समस्या है ज़्यादातर, पानी नहीं आ रहा है बस टाइम पे। अच्छा, और क्या समस्या है बाकी? तो सब सारे बिजली लेकर, मतलब बिजली की पूरी समस्या है। नान सिंह देवल ने क्या काम करवाया है रानीवाड़ा? अभी तो कोई काम नहीं हुआ, मतलब 10 साल से विधायक है, क्या काम हुआ? 5 साल से तो कुछ काम नहीं हुआ। क्या होना चाहिए, क्या लगता है रानीवाड़ा के लिए क्या करना चाहिए? अब कोई कुछ नहीं चेहरा भाई, तो मतलब अच्छा ही रहेगा। चेहरा किसको लाना? वो तो मतलब आएगा, कोई लेके आ जाएगा टिकट तो उसके साथ में ही है। क्या क्या लगता है रानीवाड़ा के लिए क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ व्यापारी बंधुओं की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, मतलब क्या पानी का भराव होता है, और यहाँ पे मतलब क्या 50% और दुकानों के अंदर मतलब क्या घुस जाता है पानी। बरसात के टाइम में हम यूँ ईंटों की पाली करके बैठते हैं, और 3 महीने अभी भी आप देखोगे तो सब जगह ये हालत है, और मतलब क्या पानी की निकासी सही नहीं है। और क्या समस्या है? पानी की समस्या है और तो यहाँ पे ये और नल में भी पानी कम आते हैं, यहाँ पे नर्मदा का वगैरह सब आते हुए भी और समस्या ज्यों की त्यों है। सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का तो एकदम बुरा हाल है, खड्डे खूब हालत खराब है। क्या काम हुआ? शिक्षा पे यहाँ पे मतलब क्या प्राइवेटीकरण ज़्यादा है, और गवर्नमेंट की भी है व्यवस्था वैसे, मतलब स्कूलों में है शिक्षक, अच्छा है शिक्षा का तो कुल मिला के ठीक है। बाकी यहाँ पे ये लाइट की है समस्या है। नेता लोग हैं ना, वो काम कम हो रहा है, मेन बात तो यही है। क्या काम कम हो रहा है? जो भी विकास जो जिस पर लोग रोजगार पा सके, जिस पे जैसे पानी है, लाइट है, उसकी सुविधा आज दिन तक अभी फिक्स नहीं। और क्या समस्या है रानीवाड़ा की? और तो दूसरी तो कोई इतनी समस्या है नहीं, अपने हिसाब से लोग चल रहे हैं। किन मुद्दों को लेके वोट डालोगे? तो मोदी के नाम से वोट तो जाएंगे, स्थानीय मुद्दे तो काम नहीं आए, स्थानीय मुद्दे बहुत कम। मोदी जी के नाम से स्थानीय कोई मुद्दा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, स्थानीय मुद्दा कैसे? नाली की व्यवस्था है, पानी निकासी के लिए कोई समस्या नहीं है? नहीं, वो कोई समस्या नहीं होती सर, नाली की वो कोई बड़ी समस्या नहीं मानते हम तो विकास में, जैसे कि कोई बड़े बांध हो, नहरी पानी हो, जैसे आज माई पानी आता है, माई बांध से नहरी पानी ही नहीं रानीवाड़ा में, ऐसी कुछ सुविधा ही नहीं सिंचाई के लिए जो। जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल को लेकर हम रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, और यहां से जनता से यहां की राय जानी,
यहाँ से लोगों की क्या समस्याएं थी और यहाँ की जनता क्या चाहती है, नारायण सिंह देवल यहाँ से विधायक थे, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य करवाए और आगे वाले आने वाले विधानसभा चुनावों में यहाँ की जनता किस मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करेगी, उसको लेकर हमने यहाँ नेताजी के एग्जिट पोल के माध्यम से जानने की कोशिश की। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता किस ओर मतदान करती है, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करती है, वो देखने वाली बात होगी। गणपत बिश्नोई, जी मीडिया, सांचौर।